सुंदरनगर के प्रसिद्ध राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया। यह मेला 22 मार्च से 29 मार्च तक जारी रहेगा। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले का शुभारंभ मुख्य संसदीय सचिव और सुंदरनगर विधायक सोहन लाल ठाकुर ने किया। मेले का शुभारंभ पारंपरिक बैंड बाजों और पूजा अर्चना के साथ किया गया। 22 से 29 मार्च तक चलने वाले राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले का शुभारंभ मुख्य संसदीय सचिव और सुंदरनगर विधायक सोहन लाल ने पूजा अर्चना के साथ किया। इस मौके पर मेला कमेटी के सदस्यों के साथ सोहन लाल ने बैंड की थाप पर मेला ग्राउंड तक मार्च किया और बैलों की एक जोड़ी की पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर नलवाड़ मेले से जुड़ी एक पत्रिका का विमोचन भी मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। अपने संबोधन में सोहन लाल ठाकुर ने कहा कि मेले और त्योहार हमारी समृद्ध संस्कृति का परिचायक है। उन्होंने कहा कि इन मेलों से हिमाचल का काफ़ी पुराना इतिहास जुड़ा है। सुंदरनगर नलवाड़ मेला सिर्फ हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध मेला रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक उपकरणों के बाद भी इस मेले का अस्तित्व आज भी जिंदा है। सोनलाल ने कहा कि पिछले साल भी 12,000 पशुओं की एंट्री नलवाड़ मेले में हुई थी और लोग आज के दौर में भी कृषि के लिए बैलों पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं कि पशुधन का स्वरूप बना रहे। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ बैलों को खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहले के ज़माने में किसान दो जोड़ी बैलों की रखते थे, एक पालने के लिए और एक बेचने के लिए। मेले त्योहार हमारी समृद्ध संस्कृति का परिचायक है, बहुत पुराना इतिहास इन मेलों से हिमाचल प्रदेश का जुड़ा है और खासकर सुंदरनगर नलवाड़ मेला न केवल हिमाचल का बल्कि पूरे उत्तरी भारत का एक बहुत प्रसिद्ध मेला रहा है। और मुझे खुशी है कि अब आधुनिक उपकरणों के चलते अभी भी हमारे इस मेले का महत्व किसी रूप में कम नहीं हुआ है। पिछले साल भी हमारे इस मेले में 12,000 से ज्यादा पशुओं की एंट्री हुई, जिससे साबित होता है कि अभी भी हमारे हिमाचल प्रदेश और इस क्षेत्र के लोग मुख्यतः अपनी कृषि के लिए बैलों पर निर्भर हैं। हमने जहां हमारे पूर्व में ये प्रयास किए गए कि हमारा जो पशुधन है जो एक विशेष आर्थिकी के साथ किसानों से जुड़ा है उसका स्वरूप बना रहे, मुझे याद है कि पहले तो अब केवल मात्र मेरे ख्याल से बैलों का क्रय विक्रय सिर्फ अपनी भूमि को जोतने के लिए वर्तमान में हो रहा है, लेकिन पूर्व में तो ये किसानों की, जैसा कि एसएम साहब ने भी यहां कहा, आर्थिक से जुड़ा हुआ था। हमारे किसान भाई दो दो बैलों की जोड़ियां पालते थे, एक अपने खेत जोतने के लिए और एक सिर्फ पालने के लिए। खैरे बाछू खरीदा थे फिर से और ले मेले जो दुग्गे चौके होने लगे ताकि ज्यादा कीमत में बेचने और उनसे उनको आय प्राप्त होती थी। आपको बता दें, पारंपरिक देव मेले का शुभारंभ 24 मार्च के दिन सोहनलाल ठाकुर द्वारा ही किया जाएगा। देवता मेले का समापन 28 मार्च को हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह करेंगे, जबकि राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले का समापन 29 मार्च के दिन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा करेंगे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।